अस्सलाम के फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्ताफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शॉर्ट टिप्स। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक टूल के बारे में। मैंने एक टूल दो दिन पहले जो है अपलोड की थी, जिसमें हम जो है पासवर्ड लॉक जो फ़ोन होते हैं या डिसेबल होते हैं उनका वाईफाई और जो डाटा है वो फिक्स कर सकते हैं। उसी के रिलेटेड आज एक और टूल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और ये टूल सेम वही काम करेगी जो वही टूल वो काम करती है, लेकिन कुछ लोगों का एरर था कि उस टूल के अंदर जो है वो एरर वगैरह आ रहा था, पुटी वगैरह का एरर आ रहा था, तो इस टूल के अंदर वो नहीं आएगा। ये 100% जो है वो वर्किंग टूल है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जिप फाइल मिल जाएगी, इसे एक्सट्रैक्ट करके मैंने रखा हुआ है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये रही ये टूल, और इसे ओपन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये कुछ इस तरह से फाइल आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपने जो इंस्टॉल करना है वो पाइथन इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम में, पाइथन 64 बिट, पाइथन 32 बिट, तो जो मर्ज़ी आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद यहाँ पे ये देखें एक पिक्चर दी गई है, ठीक है, कि किस तरह से आपने पाइथन इंस्टॉल करना है। वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन इस पिक्चर के अंदर आपको मिल जाएगा। और ये जब पाइथन इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पे उसके बाद हाउ टू यूज़ है, ये टोटल जैसे यूज़ हो सकता है वो सारी की सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। मकसद ये था कि ये टूल आपको देना, मैं आज आपको करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं है इस वक्त जिसको मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड या फिर डिसेबल हो, क्योंकि शॉप तो बंद है और लॉकडाउन की वजह से घर बैठे हुए हैं। तो ये आप सारी की सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये टूल रही, इसको ओपन कर लेते हैं। और ये कुछ सिंपल सा इसका इंटरफेस है। तो ये यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, और उसके बाद ये अगर आप बाईपास करना चाहते हैं आईक्लाउड बाईपास iOS 12.4.4 to 13.2.3, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर इसी ऊपर है आपका तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मेरा इस वक्त कोई फ़ोन कनेक्ट नहीं है, तो इसको मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। सेम ही ऑलमोस्ट सेम ही टूल है, लेकिन कुछ लोगों को उसमें एरर आ रहा है, जिनको एरर आ रहा था वो ये टूल इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद सेम वही ऑप्शन है, ठीक है, एक्टिवेशन आई डिवाइस प्लस डाटा कॉल, उसके बाद क्या एक्टिवेशन फाइल, ठीक है। तो बेहतर यही कि आप जो है ये सारी इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ें और उसके बाद जो है इस टूल पे काम करें। आपका फ़ोन जो है वो जेल ब्रेक होना चाहिए, जेल ब्रेक करके आपने इसकी एक्टिवेशन फाइल को गेट करना है, जेल ब्रेक करके एक्टिवेशन फाइल यहाँ से जो है गेट करनी है। और उसके बाद आपने फ़ोन को फुल फ्लैश करके बाईपास करना है, और उसके बाद जो है ये ऑप्शन से एक्टिवेट आई डिवाइस प्लस कॉल डाटा प्लस कॉल, ठीक है, इस पर क्लिक करके आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी टूल है जो कि काम करती है प्रॉपरली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।